अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। मैं शमसुद्दीन कादरी, खतीब वना सुन्नी जामा मस्जिद मकराना राजस्थान। तकरीबन 8 दिन या 9 दिन पहले भीलवाड़े की सरजमीन पर मैंने खिताब के दौरान जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हवाले से कोई बात की थी, जिस ताल्लुक से मुझे मालूमात नहीं थी। मजीद बरा मेरे बारे में, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये मसलक से कटे हुए हैं, मरकज से कटे हुए हैं, सुलह कुल्ली हैं, ताजी शरिया के मुखालिफ हैं, आला हजरत के मुखालिफ हैं। इस तरह के अनर्गल बयानात और प्रोपेगेंडे सूरत जैसे शहर में, बनारस में, पूना में और कानपुर में और मुख्तलिफ इलाका जात में लोगों की तरफ से सामने आए हैं, और लोगों का यही कहना था कि ये सारे लोग जमात से ताल्लुक रखते हैं। इस तनाजुर में मैंने बहरहाल गुफ्तगू की और ये मैंने कहा कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लोगों की क्या कारकर्दगी है, जो आपदा स्थिति दुनिया में आती है तो ये लोग कहाँ। इस हवाले से कुछ जिम्मेदारों के मेरे पास फोन आए और उन जिम्मेदारों ने बड़ी ही बेहतरीन बातें की, मुंबई से और बरेली शरीफ से, नागपुर से और दूसरे मकाम से। उन्होंने यही कहा कि ऐसा है कि आप कि जो भी इतराजात हैं वो एक बार आप मरकज में या तो कायदे बिल्डर से मुलाकात करके बात कर लें और मसले का तस्किया हो जाए। तो ये बात मुझे माकूल है लगी। इस बुनियाद पर मैंने जो है ये फैसला किया कि जो हमने जुमले इस्तेमाल किए हैं मैं उन जुमलों को वापस लेता हूँ, लेकिन इन तमाम तरह हवालों और सवालात के बारे में जो मेरे पास हैं, मैं तहरीरी तौर पर कायदे मिल्लत नूर अज़हर मियां के बारे में भी लिखूंगा अपने लेटर पैड पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जिम्मेदारों को भी। मुझे इन बातों का जवाब चाहिए कि किसी भी मौलाना को या किसी भी जमात के फर्द को ये हक किसने दिया है कि किसी को सुलह कुल्ली कहा जाए, किसी को मसलक का गद्दार कहा जाए, मसलक का मुखालिफ कहा जाए, मरकज से कटा हुआ कहा जाए। ये सारे मसाइल हम बैठ करके हजरत कायदे मिल्लत के पास जा करके बरेली शरीफ इंशाल्लाह तय करेंगे, और अपने लेटर पैड पर जो बातें होंगी इंशाल्लाह हम उसे नशर करेंगे कि ये मामला तय किए हैं और इस तरह की गुफ्तगू हुई है। मसलक आला हजरत किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, और मसलक आला हजरत किसी शख्सियत का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत किसी इदारे का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत किसी तंजीम का नाम नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत अदिल्लाए अरबा कुरान हदीस कयास शरई और इजमाए उम्मत की एक सुथरी तस्वीर का नाम मसलक आला हजरत है। कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी के खूबसूरत मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है। हनफी शाफई मालकी हम्बली एक मजमूए इत्र का नाम मसलक आला हजरत है। खुद आला हजरत भी मसलक आला हजरत नहीं है, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया, मेरा अकीदा मसलक व मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। तो ये हैसियत तय करनी होगी कि जो आज तक और जिन्होंने अभी इस तनाजुर में जो मैंने गुफ्तगू की है जमात के हवाले से, अब तक जिन्होंने फतवे दिए हैं सुलह कुल्ली के और मसलक के रद्दार के, ये अधिकार ये हक लोगों को किसने दिया है? अगर नहीं दिया गया है तो ऐसे लोगों के बारे में हुक्म क्या है? इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से मैं खुद इंशाअल्लाह बताते खुद कायदे मिल्लत हजरत असद मियां साहब किबला से मुलाकात करूंगा और सारी बातें हजरत की बारगाह में पेश करके मसाइल को तय किया जाएगा। मैं उन जुमलों को वापस लेता हूं जिनकी दिलाजारी हुई है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शमसुद्दीन कादरी, मकराना, राजस्थान।